इंडस्ट्री नहीं रहने चाहिए, क्योंकि किसान मंडी में है, उनका काम होने चाहिए। फीडिंग सोमवार को हो जाएगी, पर इनकी तुलाई तो होने चाहिए, माल पास होने चाहिए, काम होने, उनका नहीं होगी छुट्टी, ये बोला छुट्टी। दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक और बसपा नेता रामबाई सिंह बटियागढ़ की कृषि उपज मंडी निरीक्षण करने को पहुंची। यहां किसानों की शिकायत पर उड़द खरीदी में सैंपलिंग और ग्रेडिंग के नाम पर किसानों से अवैध वसूली के आरोपी रूप किशोर स्वामी और तुलाराम प्रजापति को फटकार लगाते हुए उन्हें किसानों के साथ थाने तक ले आए और आवेदन देकर इनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। रामबाई सिंह ने यहां खरीदी में तैनात कर्मचारियों को सख्त हिदायत देकर आगाह किया है कि वो दमोह जिले में किसानों की परेशानी को बर्दाश्त कतई नहीं करेंगी। यदि ढंग से काम नहीं करना है तो पन्ना, छतरपुर या दूसरे जिलों में ट्रांसफर करा लें। आप पास कर गए ना जी, तो फिर फेल क्यों कर रहे जिलों, इनको क्या अधिकार है? समिति समिति ही नहीं तो करो, वो तो भीतर बैठे क्या उनको आप जानते हो? आइए, वो तो पैसे तो दो, कुछ लोगों को पैसे दिए भी है। दो लोगों ने पैसे दिए नहीं कि भले ही ने तो ना हमें नहीं चलवाने, हम भरे रह दिए। वही फैला है, तीन चार जनों की पर्ची को पूरी तरह से लगता है। नहीं, आप जाइए, आप चलिए। इनको क्या अधिकार है? इनका कोई अधिकार है क्या उधर? नहीं है ना, तो इनको सजा मिलने जा रहे बोलते हैं गाड़ी में। फिर दूसरी बात, इनके इनको पास करके जे गए, भरी भराई बोरी माँ फेंक गए। हाँ, दो ही क्विंटल है, उनने पटा बोरी दे गए। तो नहीं पट, नहीं हम हाथ जोड़ रहे आप, अगली बार तो हम कह रहे हैं डबल सजा कर दे रही है। हमारी स्त्री में फेल पास, हमारी स्त्री को माफी नहीं है। मैं बटियागढ़ मंडी में निरीक्षण के लिए आई थी, तो बटियागढ़ में जो हमने देखो कि जो किसान पूरी परेशान है, एक तो तीन तीन चार चार छन्नों से छनवा रहे हैं, फिर भी किसान जो बोल रहे हैं कर्मचारी सर्वेयर वो काम कर रहे हैं, उसके बाद भी सर्वेयर पास करके चले गए माल, लेकिन जो मंडी में समिति के मतलब प्रबंधक हैं, उनके दो एक चपरासी और एक जोन पे इनके साथ में एक कर्मचारी और है जो अभी वर्तमान में मतलब उनके हुए सस्पेंड कर दा हुआ है और अभी लेटर नहीं आओ, जो दोनों लोग उधर दलाली कर रहे थे, जो तीन लोग हैं, तीनों लोग दलाली कर रहे थे कि सर्वेयर जिनको पास कर गए है और तुलाई हो रही थी उनको वापस पटकवा रहे कि नहीं, जो फेल है जो दोबारा छन्ना लगे इनमें। तो किसानों से पैसा की मांग रखी गई, कस किसानों ने बोली कि हमें ऐसा नहीं तुलवाने, घर पे ले जाए, हमें नहीं जो काम करवाने, पैसा नहीं हम दें, क्योंकि अब आ दो छन्ना लगवा के आधे से आ दो तो आप लोगों ने करवा ही दो और अब पैसा मांग रहे आप। तो जो सर्वेयर पास कर गए हैं माल, उन पैसों उन किसानों के लाने दोबारा जे पटक रहे हैं पास के लाने माल, और जो कर्मचारी इनके हैं जो चपरासी और एक रिटायर है जो सस्पेंड होगा उन जे दलाली उधर कर रहे हैं। तो किसान अधिक से ज्यादा पीड़ित हैं। हमारी कलेक्टर महोदय से अभी बात हुई, किसानों से ये बोल रहे कि दो दिन छुट्टी है, पर किस कलेक्टर महोदय से हमारी बात हुई, बोल रहे कोई छुट्टी नहीं है, सिर्फ तुलाई भी होगी, माल पास भी होगा, चेक होगा, फीडिंग बस है जो वो सोमवार को होगी। पथरिया से आफताब खान, सागर टीवी न्यूज़।